आठ सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की हंडिया इकाई ने 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मोर्चा खोला। प्रयागराज के हंडिया तहसील प्रांगण में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की हंडिया इकाई ने तहसील अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे की अगुवाई में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश शासन से नाराज चल रहे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में लेखपाल संगठन का धरना प्रदर्शन जारी है। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने बताया कि जब तक लेखपालों की 8 सूत्रीय मांगों का निपटारा नहीं हो जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि इतना ही नहीं प्रदेश स्तर पर भी धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लेखपाल संघ जिंदाबाद, लेखपाल संघ जिंदाबाद, लेखपाल संघ जिंदाबाद। आवाज दो, देख रहे हैं। आवाज दो, देख रहे हैं। आवाज दो, देख रहे हैं। एक बार सब लोग हाथ ऊपर कीजिए। जी मंत्री जी, आप बताएं कि आगे अगर ये आप लोगों का ये मांग नहीं पूरा हो जाता तब आप लोग क्या करेंगे, कब तक धरना प्रदर्शन करेंगे? हम लोग 5 नवंबर से धरना प्रदर्शन पे हैं और संघ के निर्देशानुसार आज 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हम लोग तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे तथा 13 से लेकर 26 तारीख तक हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। 27 तारीख को प्रदेश के 23,000 लेखपाल विधानसभा का घेराव करेंगे। यदि उसके बाद भी हमारी मांगें नहीं पूर्ण की जाती हैं तो प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार हम अग्रिम कदम उठाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप अपना परिचय बताएं। हमारा नाम ओधराज सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ तहसील हंडिया में मंत्री हूँ। बहुत बहुत